अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। प्रेम विवाह जिसको आप लव मैरिज कहते हैं, फाइन। लेकिन अगर बहुत गहरे विज्ञान की बात करूं, जो हमारा वैदिक विज्ञान है, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये विवाह पूरी तरीके से गलत है, पूर्ण रूपेण गलत है, पूर्ण रूपेण। इस विवाह में ये समझ लीजिए किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे यहां जो व्यवस्था है, जिसमें एक व्यवस्था है जातीय व्यवस्था, और यह अभी की नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में इसका पुरजोर समर्थन किया है, द्वितीय अध्याय में पढ़िएगा। तो मैं कहना क्या चाहता हूं वो समझिए, जातियां क्यों बनी? जातियां इसलिए बनी जिनकी, जिससे कुछ गुणसूत्रों को अलग अलग कैटेगरी के आधार पर बनाए रखा जा सके। आप लोग कभी सब्जी खरीदने गए होंगे, सब्जियां आपने देखी होंगी, तो एक ठेला या दुकान होती है, उस पर एक तरफ आलू रखे होते हैं, एक तरफ बैंगन रखे होते हैं, एक तरफ टमाटर रखे होते हैं, एक तरफ कुछ, एक तरफ कुछ, एक तरफ कुछ रखा होता है। बिकॉज आलू के अपने गुण हैं, आलू की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, आप आलू परचेज करना चाहते हैं, दैट इज व्हाट, आप आलू पूछते हो आलू कैसा दिया। लेकिन अगर वो ठेले वाला आलू, गोभी, बैंगन, टमाटर, भिंडी, तोरी, लौकी, उन सबको मिक्स कर दे, सारे ठेले में वो ऐसे 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 मिला दे, ठीक है, फिर क्या होगा? आपको उनको लेने में कितनी कठिनाई होगी, समझना मेरी बात को, मैं कुछ कहना चाहता हूं। दूसरा, आप लोग घर में खाना बनाते होंगे, आप में से कई लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जब हम भोजन बनाते हैं तो जैसे आपने चने की दाल बनाई, जैसे आपने आलू बनाया, जैसे आपने बैगन बनाया, जो जो भी बनाया, हर सब्जी का अपना एक गुण होता है, ये तो आप भी जानते हैं। तो जो सब्जी का गुण होता है, जो दाल का गुण होता है, वो प्रॉपर्टी हम खाते हैं, हमें मिलती है। लेकिन आप थोड़ा सा विचार करके देखिए कि कोई भोजन हम पा रहे हैं वो मिक्स वेज है, उसमें 50 तरह की सब्जियां मिली हैं। तो अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आपको उससे क्या फायदा होगा? तो आप कहेंगे उसमें तो बहुत सारी चीजें मिली हैं, तो बहुत सारे विटामिन और प्रोटीन सब कुछ हो गया। तो मैं आपको बता दूं, उसमें से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि आलू के गुण प्रॉपर्टीज अलग हैं, बैगन के अलग हैं, राजमा के अलग हैं, छोले के अलग हैं, पालक के अलग हैं, मेथी के अलग हैं, लौकी के अलग हैं, ये सब अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। और जब ये सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी तो एक नई चीज बनेगी, लेकिन वो चीज नहीं रहेगी जो ओरिजिनल था, राइट? आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, वो चीज नहीं बनेगी जो ओरिजिनल था। अब हम वापस चलते हैं उन ऋषि काल पर, जब जातियों की गणना, जातियों की तैयारियां हो रही थी, उसका कारण क्या था? उसमें यह था कि हर चीज के अपने गुणसूत्र होते हैं, तो उन्होंने चार वर्ण बना दिए, एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण, चार वर्ण। तो इन वर्णों को बताया गया कि तुम अपने वर्णों को बड़ा बनाओ। क्यों बड़ा बनाओ? क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे एक राजा के पुत्र हुए 100, उनमें से किसी ने कहा जी हम तो ब्राह्मण बनेंगे, पहले अलग व्यवस्था थी, वो ब्राह्मण बन गया, किसी ने कहा नहीं जी हम तो राज्य करेंगे, हम क्षत्रिय रहेंगे, और उनका क्षत्रिय, कुछ ने कहा नहीं हम व्यापार करेंगे, वो वैश्य हो गए, कुछ ने कहा देखो भैया तुम लोग जो करोगे सो करोगे, हम तो तुम्हारी सेवा करेंगे, वो शूद्र हो गए। अंतर कुछ नहीं है, अंतर सिर्फ आपके काम का है। लेकिन अब हम थोड़ा सा इस पे गहन अध्ययन करते हैं, साइंटिफिकली सर्च करते हैं। सपोज आप एक वैश्य हैं, एक बनिया हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और आपकी पीढ़ियों से ये चीज कार्य, ये व्यापार आप करते आए हैं, तो आपका सर्वश्रेष्ठ गुण क्या होगा? आपका सर्वश्रेष्ठ गुण होगा व्यापार करना। आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, आप ओरिजिनली उस काम को कर लोगे, बिकॉज आपकी रगों में वो चीजें हैं। ये एक दर्शन है। जब हम इंटरकास्ट मैरिज की बात करते हैं, जब हम आपके अनुसार मैं बोलूं लव मैरिज की बात करते हैं, तो पहली बात तो मुझे शब्द ही बड़ा अटपटा लगता है। कारण यह है, अगर ये लव मैरिज है तो वो कौन सी मैरिज है जो नॉर्मली होती है? क्या उसमें लव नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है?
उसमें सामंजस्य नहीं है? मेरी बात को समझ ना, थोड़ा सा मैं ऐसे ही समझ पाता हूँ। तो भैया ये ठीक है, अपनी पसंद की मैरिज है, मगर इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि दो जातीय गुणों का मिलना, एक डिफरेंट जाति, एक डिफरेंट जाति। अब इन दोनों जातियों की जो पीछे की जेनोलॉजी है, पीछे की परंपरा, गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स, राइट, वो सारी चीजें डिफरेंट हैं। थॉट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो जो आपने अभी प्रश्न किया कि हमारे यहां चार गोत्र देखकर, तो गोत्र का मिलान का गोत्र क्या है, पहली बात तो ये समझो। कई लोग गोत्र को नहीं समझ पाते, आज भी कई लोग कहते हैं अरे ये गोत्र वोत्र बेकार की चीज है, और मैं उनसे कहता हूं कि तुमसे बड़ा कोई बस ठीक है जो भी है। तो गोत्र क्या है समझो, एक यूनिट एक गोत्र है। प्राचीन समय ऋषियों ने जब गोत्र दिया तो गोत्र का मतलब था कि इसके साथ जो लोग भी, इस गोत्र से संबंधित जो लोग भी हों, वो एक जगह से निकले हुए हैं, इसका मतलब वो आपस में संबंध नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जब सेम गोत्र की चीजें मिलेंगी तो बेस्ट नहीं होगा, प्लस प्लस माइनस होता है, हमेशा ध्यान रखना, प्लस 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 नहीं होता। जब सेम चीज मिलेगी तो वो कभी भी बेटर चीज नहीं बनाएगी। हम हमेशा बेटर चीज तब बनाते हैं जब धन ऋण ऋण या धन उसको बनाते हैं। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है, उन लोगों ने कहा कि ये एक परिवार से, एक माता पिता से चली आ रही जो व्यवस्था है, ये एक गोत्र है, उसको गोत्र दे दिया। पहचान कैसी होगी भविष्य में कि ये एक ही जनलॉजी के, एक ही पर पार्टी के निकले हुए लोग, तो गोत्र दे दिया हम लोगों को, जो अपने आप में इस बात को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता है कि हम कौन हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई आपका गोत्र मान लीजिए वशिष्ठ है, और किसी का गोत्र मान लीजिए भरद्वाज है, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। तो वशिष्ठ वाले को मालूम है मैं वशिष्ठ गुरुजी की तरफ से हूं, वो भरद्वाज, समझ रहा मैं क्या कहना चाहता हूं। तो वशिष्ठ को अगर कोई रिश्ता आएगा वशिष्ठ का, तो वो नहीं करेगा, वो समझ जाएगा अरे भाई हम लोग तो एक हैं, हम लोग तो एक ही, हमारे पूर्वज एक ही रहे होंगे, तुम तो भाई बहन हो गए, हमारा ब्लड खेल तो ब्लड का है ना, तो इसलिए हम दूसरी परंपरा में जाते हैं। तो हम मामा वामा का भी गोत्र नहीं मिलाते। अब क्यों नहीं मिलाते, उसका भी कारण है, हमारा जो ब्लड है, आज ब्लड मिलाना शुरू कर दिया है विदेशों में, हमारे यहाँ कुंडली मिलाते हैं। ब्लड में जो सैंपल्स लेने के बाद वो क्या देखते हैं, कोई बीमारी तो नहीं होगी, कोई जुड़ाव तो नहीं है कोई है। अब वही हमारे यहाँ कुंडली में देख रहे हैं। कुंडली देखने का मतलब है आपके गुण, धर्म, गोत्र, नाड़ी आदि इत्यादि क्या है, इनकी मैचिंग तो नहीं है, इनमें कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, अगर है तो ये शादी नहीं करना चाहिए, यही तो चर्चा है ना। अब क्या हो रहा है, आज जो विवाह हो रहे हैं जिन्हें आप लव मैरिज कहते हैं, इसमें एक नई चीज आ रही है। नई चीज ये आ रही है कि मान लीजिए अंतर जातीय हैं, तो अंतर जातीय विवाह का सबसे बड़ी चीज ये है कि उसके बाद जो नई प्रॉपर्टी आएगी, नया बॉडी आएगा, नया शरीर आएगा, नया बच्चा आएगा, बच्ची आएगी, उसके गुणसूत्र मिक्स होंगे, ना वो लड़के के होंगे ना वो लड़की के होंगे, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं वो नहीं होंगी। राइट, दिस इज वेरी क्लियर। वो ऋषि मुनि क्या चाहते थे कि सबकी ओरिजिनल वैल्यूज यथावत रहें, वो नहीं मिटनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मिट जाएगी, जैसे कि बीज होता है, अब आपको ध्यान होगा अगर आप लोग 30+ 40+ हैं, पहले तरबूज आया करता था सर्दियों में, गर्मियों में क्षमा कीजिए, ये बड़े बड़े 20-20 किलो के, 30-30 किलो के तरबूज हुआ करते थे, और साहब इतने बड़े बड़े तरबूज होते थे कि आनंद आ जाता था। आज जो तरबूज आता है वो धारी वाला तरबूज आप देख रहे हैं ना, अलग टाइप का डिजाइन है, वो बीज अलग है, मगर वो बीज कहां गया, वो बीज खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म कर दिया गया, क्योंकि विदेशों से आने वाले इस बीज को उन्होंने प्रमोट कर दिया, लेकिन वो तरबूज इस तरबूज से लाख गुना ज्यादा स्वास्थ्य को लाभ देता था। क्यों? क्योंकि वो देसी ब्रीड थी, ये विदेशी ब्रीड है, वो देसी ब्रीड थी, वो ये विदेशी ब्रीड है, ब्रीड का अंतर हो गया। अच्छा, हम जो खा रहे हैं, हमारे आसपास की जलवायु और वातावरण से जो निर्मित होता है वो हमारे लिए सूट करता है। चाणक्य ने भी कहा है आप जहां पैदा हुए हैं वहां की भूमि, वहां का जल, वहां का भोजन, वहां का रत्न, वहां की हवा, ये सब आपके लिए सूटेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब दो अलग जातीय व्यवस्था के लोग मिलेंगे तो एक नई जात, एक नया जब शरीर बनेगा तो आप उसको क्या कहेंगे?
अगर आप उसको पुरुष के साथ जोड़ते हैं तो फिर उसके अंदर उस फीमेल के भी तो गुण हैं। अब उन दोनों के बीच में सपोज, अब आप सपोज समझना, सपोज उस बच्चे ने, जो बच्चा दो अलग जातीय व्यवस्थाओं से दो बच्चा पैदा हुआ है, वो बच्चा भी भविष्य में इसी तरह का विवाह करता है, तब जो उसकी संतान होगी, तो जो मूल था ठीक है, तीन पीढ़ी, दो पीढ़ी पहले वाला, तो मूल वाले गुण उस तीसरी पीढ़ी में कितने होंगे? बहुत कम होंगे ना, समझ में आ रहा होगा आपको। अब मान लीजिए यही चार पांच छह पीढ़ी चल गई, तो जो मूल गुण है वो समाप्त हो जाएगा। जो मूल गुण है, जो हम सदियों से, सैकड़ों वर्षों से हम जो बचाए चले आ रहे थे, जिस बीज को, वो बीज समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ये दो तरीके से जो नया एक बॉडी और नई चीजें तैयार होंगी, इनके अंदर क्या कमियां पाई गई हैं? कमियां सुनिए, इनके अंदर जो चीजें पाई गई हैं, वो जो इनके गुणसूत्र हैं, वो उतने स्ट्रांग, उतने बलशाली नहीं होंगे जो फर्स्ट पर्सन, सपोज जिन्होंने पहली बार लव मैरिज करी, तथाकथित इंटरकास्ट, उनके गुणसूत्र और सातवीं, इनकी चौथी पांचवीं सातवीं पीढ़ी तक जाते जाते वो जब खत्म हो जाएगा, तो इनके शरीर उतने मजबूत नहीं होंगे।